राज ठाकरे जनसभा को करेंगे संबोधित, सभा की जोरदार तैयारी, क्या बोलेंगे इस पर पूरे महाराष्ट्र की नजर। उद्धव ठाकरे की भी आज जनसभा, पीएम मोदी शिंदे फडणवीस पर बरसते हुए आएंगे नजर, शिव सैनिकों ने की तैयारी। शरद पवार ने राष्ट्रवादी के अध्यक्ष पद से अपना राजीनामा लिया वापस, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर की बड़ी घोषणा, कार्यकर्ताओं ने की आतिशबाजी। शरद पवार के प्रेस कॉन्फ्रेंस में गैर हाजिर रहे अजीत पवार, अजीत के गैर हाजिरी का ना निकाले गलत मतलब, शरद पवार की अपील। किसी को जाना होगा तो नहीं रोक सकते, एमवीए आघाड़ी में रहकर काम करना पड़ेगा, अजीत पवार के पार्टी छोड़ने के सवाल पर शरद पवार का बयान। दुनिया से कोरोना खत्म हुआ, WHO ने कोरोना के खत्म होने की घोषणा। द केयर स्टोरी फिल्म पर बोले पीएम मोदी, फिल्म की स्टोरी एक राज्य की कहानी नहीं, फिल्म में आतंकवाद का खुलासा। बजरंग दल बैन होगा तो सारे मस्जिदों को करना पड़ेगा बंद, भाजपा नेता गिरिराज सिंह का विवादित बयान। कल्याण इलाके में स्विफ्ट डिजायर कार और रिक्शे में होती है गायों की तस्करी, पुलिस ने किया खुलासा। उल्हासनगर शहर से पिछले महीने में 5 लड़कियां गायब, गायब हुई लड़कियों के घर के बाहर लगा आई लव यू जान का पोस्टर, लव जिहाद का बताया जा रहा है मामला, पुलिस जांच में जुटी। अंधेरी स्थित वर्सोबा यारी रोड पर इमारत की दूसरी मंजिल के दीवार का हिस्सा गिरा, 5 लोगों को मलबे से किया गया रेस्क्यू। बड़े पर्दे पर दिखेगा माही का जलवा, दोबारा रिलीज होगी सुशांत सिंह राजपूत की MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। फिसलन भरी सड़कों पर बालू छिड़कते नजर आया मुंबई पुलिसकर्मी, यूजर्स का जीता दिल। राज ठाकरे ने बनाया अजीत पवार का कार्टून, पुणे में अंतर्राष्ट्रीय व्यंग चित्र महोत्सव का किया उद्घाटन। वाशी के APMC मार्केट में हापुस के नाम पर बेच रहे कर्नाटक का आम, ग्राहकों को लगा रहे हैं चूना। पालघर में मां की तकलीफ देख पसीजा बेटे का दिल, पानी भरने के लिए घर में ही खोदा कुआं। याकूब मेमन के बाद नागपुर जेल में होगी दूसरी फांसी, बलात्कारी की आरोपी की दया याचिका राष्ट्रपति ने ठुकराई। शरद पवार की राज्य के साथ देश को भी है जरूरत, ऐसे उद्धव ठाकरे की भावना, संजय राउत का बयान, कहा शरद पवार के अलावा दूसरा विकल्प नहीं। मेट्रो 6 के कारशेड पर फिर विवाद, MMRDA की ओर से हो रहा सर्वे, क्यों रुका। उद्धव ठाकरे को बारसू में जाने के लिए मिली अनुमति, कल बारसू जाकर उद्धव ठाकरे आंदोलनकारियों से करेंगे मुलाकात। सहमति से हुए सेक्स में नाबालिगों को दंडित करने के लिए नहीं है पोक्सो कानून, बॉम्बे हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी। मैं फिर आऊंगा बोला मतलब मैं फिर आता हूं और कैसे आता हूं ये सबको पता है, देवेंद्र फडणवीस के बयान से राजनीतिक हलचल तेज। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 695 अंक टूटा, 1.43 लाख करोड़ स्वाहा। मुंबई में आज सोने चांदी के दामों में आई बढ़ोतरी, सोना 62,400 रुपए तोला, वही चांदी 78,250 रुपए किलो। मुंबई में अगले कुछ दिन बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट।